नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस में। एक चैप्टर जो है वो अपन 12th का पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 अर्थ बुक के बारे में अपन पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 है अपने ग्रास ऑफर टिड्डा। ये चैप्टर लेने का मेन रीजन तो ये रहा कि हाल ही में तुम्हारा सबका ये ग्रास ऑफर जो है वो देखा हुआ है, टिड्डी का आक्रमण जो है वो भी हाल ही में चल रहा है, तो इसलिए अपन ने ये जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर था, इजी सा चैप्टर है, काफी कुछ चीजें जो है वो तुम्हारी पढ़ी हुई है। कॉकरोच वगैरह जो अपने पढ़ा था उस कॉकरोच में काफी कुछ चीजें जो है सेम सी चीजें हैं यहाँ पे। चलो अब चालू करते हैं चैप्टर नंबर 11 ग्रास ऑफर टिड्डा। नाम की बात करते हैं तो हीरोग्लाइफस बैंगियन, और अगर तुम लोगों को पता हो तो फाइलम कौन सा है इसका, सबको पता होगा वैसे। फाइलम देखो, अगर इसके अपन पैर देखते हैं तो पैर जो है वो कैसे दिखते हैं अपने को, संधियों के उपांग दिखते हैं, तो कौन से फाइलम में रखा जाएगा इसको, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा जाएगा। और अगर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग कहाँ आएगा, तो वर्ग देखो अपन ये कहते हैं कि इसके अंदर पैर कितने पाए जाते हैं, तो 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। पंख कितने पाए जाते हैं, तो 2 जोड़ी इसके अंदर पंख पाए जाते हैं। ठीक है, ये अग्रपंख होते हैं, इसके नीचे जो होते हैं वो छोटे वाले पंख होते हैं, तो इस तरीके से 2 जोड़ी इसके अंदर पंख पाए जाते हैं। और ये कैरेक्टर जो है वो किसका है, तो ये कैरेक्टर आता है वर्ग इंसेक्टा का, क्लास इंसेक्टा होती है। तो इसमें अपने नाम पढ़ा जो मुख्य जो प्रजाति पाई जाती है अपने यहाँ पे वो है हीरोग्लाइफस बैंगियन। इसके अलावा एक और पाई जाती है उसको कहा जाता है हीरोग्लाइफस निग्रो रिप्लेटस। तेर है हीरोग्लाइफस निग्रो रिप्लेटस, ये एक और पाई जाती है अपने। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर विशेष कैरेक्टरों की। तो सामान्य अपन बात करें कि टिड्डा जो होता है वो एक सर्वभक्षी कीट के अंदर आता है। सर्वभक्षी कीट हर प्रकार की फसलें जो होती है, हर प्रकार की फसलों को ये खा जाता है। अभी तुम लोगों ने हाल ही में देखा है कि टिड्डी दल जो है वो आता है तो किसी भी फसल के ऊपर बैठ जाता है, तो अपनी ये जो ताकत है वो मुखांग होते हैं। मुखांग जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। कैसे होते हैं, तो इसके मुखांग जो होते हैं वो काटने व चबाने वाले होते हैं। इसके जो मुखांग होते हैं वो काटने व चबाने वाले होते हैं। काटने व चबाने वाले मुखांग जो होते हैं इसके कारण से ये फसलों की पत्तियों को काटता है और उनको चबाकर खा जाता है। तो ये सर्वभक्षी कीटों के अंतर्गत आता है। क्लियर है, चलो अब आप आगे पर चर्चा करते हैं इसके अंदर संरचना। देखो शरीर की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं तो शरीर जो है ये शरीर इसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 3 पार्ट कौन कौन से बने, तो देखो 3 पार्ट की बात करते हैं। पहला बन गया इसके अंदर सिर भाग, इसका पहला बन गया इसका सिर भाग हेड पोर्शन। अब जो हेड है ये वाला जो पोर्शन है ये इसका हेड पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद में ये जो पोर्शन होता है इसका, ये इसका वक्ष का भाग हो गया, और ये जो भाग होता है ये इसका उदर का भाग हो गया। ये है शरीर जो होता है वो 3 भागों में विभक्त है, सिर में है, दूसरा अपन बात करेंगे तो दूसरा इसका वक्ष का भाग होता है जिसको अपन थोरैक्स कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो तीसरा होता है इसके अंदर उदर का भाग जिसको अपन एब्डोमन कहते हैं। क्लियर है, शरीर के ये 3 भाग हो गए, सिर, वक्ष और उदर। अब अपन बात करते हैं सिर के, सिर जो है इसमें क्या क्या होता है। तो देखो सिर भाग जो होता है, इस सिर भाग में क्या क्या पाया जाता है, तो देखो यहाँ पर सिर भाग में एक तो संरचना है ये जो कि इसके अंदर संवेदी संरचना के रूप में होती है। तो कौन सी संरचना है, तो सिर में इसके अंदर संगीका पाई जाती है, संगीका एंटीना जिसे कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है, दूसरा भाग क्या है यहाँ पे, तो इसके अंदर संयुक्त नेत्र होते हैं। कीटों की अपन बात कर चुके हैं, जब अपन ने आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच जो पढ़ा था, कॉकरोच में अपन संयुक्त नेत्र के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो पोर्शन होता है सिर में वो होता है इसके अंदर संयुक्त नेत्र। तीसरी भाग की बात हम करते हैं, तो तीसरा भाग क्या है यहाँ पे, तो तीसरी भाग में इसके अंदर पाई जाती है नेत्र। संयुक्त नेत्र के अलावा इसके अंदर छोटी छोटी संरचना और पाई जाती है जो दोनों संयुक्त नेत्र के बीच में पाई जाती है, इसको नेत्र सामान्य नेत्र या फिर ओसिलाई कहा जाता है, ओसिलाई। ये जो होती है ओसिलाई, तो ये अधिकतम 3 तक हो सकती है, अधिकतम 3 तक संख्या हो सकती है दोनों संयुक्त नेत्र जो है। अगर सिर की बात करें तो दोनों संयुक्त नेत्र जो है, दोनों संयुक्त नेत्र के बीच में इस तरीके से छोटी छोटी संरचना के रूप में पाई जाती है, ये इसके अंदर ओसिलाई पोर्शन होता है। क्लियर है, तो ये 3 मुख्य भाग जो होते हैं, ये 3 मुख्य भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। एक चौथा जो भाग होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर, ये पॉपुलर पार्ट होता है इसके अंदर मुखांग। तो सिर की जब बात कर रहे हैं तो सिर भाग जो होता है, सिर भाग में अपन 4 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक संगीता के बारे में, एक संयुक्त नेत्र के बारे में, एक नेत्र के बारे में और एक मुखांग के बारे में। अपने यहाँ पर अगर डिटेल की बात अपन करते हैं तो डिटेल अपना दे रखा है मुखांग के लिए, ये अपन पढ़ेंगे। मुखांग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी अपन चर्चा जो है वो अपन अभी करेंगे इसके अंदर। क्लियर है,
चलो अब आगे चलते हैं। देखो संगीता के बारे में बताते हैं, ये जो संगीता होती है इस संगीता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। ये एक संवेदी संरचना के रूप में होती है। संवेदी संरचना जो होती है ये संवेदी संरचना कैसे काम करती है, तो अगर अपन ये कहें कि संगीता जो होती है ये संगीता इसके अंदर सुनने का भी काम करती है। क्लियर है, संगीता से ये सुन भी सकता है और क्या कर सकता है, तो संगीता से ये सूंघ भी सकता है, ऑडिटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करती है। क्लियर है। इसके अलावा रास्ते का पता जो होता है, रास्ते का ज्ञान जो होता है, वो रास्ते का ज्ञान करने के लिए भी कौन काम करती है, तो ये भी संगीता करती है। तो इस तरीके से सुनने सूंघने रास्ते का पता लगाने का काम जो होता है वो संगीता हुआ होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। क्लियर है। संयुक्त नेत्र की बात हम करते हैं, संयुक्त नेत्र कितने पाए जाते हैं, तो संयुक्त नेत्र इसके अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं, और कॉकरोच की ही तरह इसमें कौन सी दृष्टि पाई जाती है, कॉकरोच की ही तरह इसके अंदर मोज़ेक दृष्टि पाई जाती है, मोज़ेक दृष्टि पाई जाती है। देखो ये अपने 12th के बुक में तो इतना डिटेल है नहीं संयुक्त नेत्र के बारे में, जनरल इतना दे रखा है अपने पास कि संयुक्त नेत्र जो होता है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे नेत्र और पाए जाते हैं, इसको ओसीलाई कहा जाता है। अधिकतम संख्या जो होती है इसकी वो 3 तक हो सकती है, इतना अपने 12th के बुक में दे रखा है। बाकी अपन डिटेल जो है वो कॉकरोच में पढ़ चुके हैं। संयुक्त नेत्र जो होते हैं वो संयुक्त नेत्र की बात हम करते हैं, तो संयुक्त नेत्र जो है इसके अंदर दृष्टि जो होती है वो मोज़ेक दृष्टि होती है, और छोटी छोटी इकाइयां संयुक्त नेत्र की छोटी छोटी इकाइयां जो होती है उनको क्या कहा जाता है, तो उनका नाम होता है ओमेटिडिया। क्लियर है, ओमेटिडिया या नेत्रासंघ कहते हैं। क्लियर हो, तो ये इस सिर के संगीता वाला पोर्शन, संयुक्त नेत्र वाला पोर्शन और नेत्र ओसीलाई जो होते हैं वो अधिकतम 3 है, दोनों नेत्रों के बीच में, दोनों संयुक्त नेत्रों के बीच में पाए जाते हैं, इतना अपने पास दे रखा है। मुखांग जो है इसका टॉपिक अपने पास अलग से दे रखा है, तो अपन इसको अलग से ही पढ़ेंगे। क्लियर है। चलो अब बात हम करते हैं वक्ष की। वक्ष बात की अपन चर्चा करते हैं, तो देखो वक्ष में क्या है, वक्ष की अपन कहें तो वक्ष में 3 खंड है। वक्ष जो है इसके अंदर 3 खंड होते हैं, तो कौन कौन से खंड होते हैं, तो वक्ष की अपन ने बात की, तो यहाँ पर ये अग्रवक्ष, यहाँ पर मध्य वक्ष और यहाँ पर पश्च्य वक्ष होता है। वक्ष में इसके अंदर 3 खंड होते हैं, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च्य वक्ष। इसको अपन कहेंगे प्रीथोरेक्स, इसे कहेंगे मीजोथोरेक्स और इसे कहेंगे मेटाथोरेक्स। प्रीथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ये 3 थोरेक्स में 3 भाग होते हैं। अभी तो तीनों होते हैं थोरेक्स के, जो तीनों पार्ट होते हैं इन तीनों खंडों में क्या होते हैं, तो तीनों खंडों में पैर पाए जाते हैं। पैर जो होते हैं वो तीनों खंडों में होते हैं, तो सीधा सा अपन ने ये कह दिया कि वक्ष के 3 खंडों में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनमें जो पैर होते हैं वो कितने हैं, 3 जोड़ी है, 3 पेयर लेग्स के पाए जाते हैं। अब टांगे जो होती है इसके अंदर पैर जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। अगर अपन ये कहें कि इसकी दो कौन कौन सा, अग्रवक्ष में और मध्य वक्ष में जो पाए जाने वाले पैर हैं ये तो काम करते हैं चलन टांग के रूप में, ये तो इसके अंदर चलने के काम आते हैं। क्लियर है। अग्रवक्ष मतलब प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स में जो पैर उपस्थित है ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं पीछे वाले पैर की अपेक्षा, ये छोटे पैर जो होते हैं ये इसके अंदर चलने में काम आते हैं, इसको अपन चलन टांग वॉकिंग लेग्स कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं पश्चथोरेक्स की, पश्चथोरेक्स मेटाथोरेक्स वाला जो पार्ट होता है पश्च्य वक्ष का, इसके अंदर एक बड़ी टांग की जोड़ी होती है, बड़ी टांग की जोड़ी होती है, ये टांगे जो होती है वो इसके शरीर की लंबाई से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये पैर जो होते हैं ये पैर इसके अंदर किसके काम आते हैं, तो ये होती है इसके अंदर कूदने वाली टांग, जंपिंग लेग्स कहलाती है। ये जंपिंग टाइप होती है पैर का काम, इन पैरों का काम होता है इसका कूदने का काम। अब पैरों की बात हम करते हैं, तो पैरों के पार्ट कितने होते हैं।